हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे और अपने गार्डन के काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों, फरवरी का महीना आ चुका है। हम गार्डनर के लिए अपने गार्डन में काम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, खासकर गुलाब और अडेनियम के ऊपर। देखिए, अभी अडेनियम की रिपोर्टिंग के लिए और बीज को लगाने के लिए, कटिंग को लगाने के लिए मेरे पास कोकोपीट नहीं था। कुछ सामान तो मैंने अमेजोन से मंगाए हैं। देखिए, अमेजोन से मंगाया है, ये शाम को ही आया है। और अब इनकी खोल के देखते हैं कि कैसा है, क्या है। मेरी नर्सरी में लखनऊ के मिलता तो है दोस्तों, लेकिन वो एक एक किलो के पैकेट नहीं मिलते हैं, वो 5 किलो का ही मिलता है। अब देखिए, ये 500-500 ग्राम के 2 पैकेट हैं। और अब इन्हीं में मैं अडेनियम के सीड लगाऊंगी। मैं बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं करती हूँ अपने गार्डन में, लेकिन हाँ, सीड और कटिंग लगाने की ज़रूरत लगती है। तो ये तो मैंने अमेजोन से मंगाया है। अब आपको दिखाना चाहती हूँ, नर्सरी से भी मैंने कुछ सामान मंगाए हैं, क्योंकि अभी सर्दियों भर तो हमारे लखनऊ में अच्छे से धूप निकल नहीं रही थी। सारे प्लांट कुछ सुस्त से दिख रहे हैं, तो इनको कुछ अच्छे से भोजन पानी देने की ज़रूरत है। तो उसके लिए मैंने कुछ सामान मंगाए हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैंने साफ फंजीसाइड पाउडर 2 पैकेट मंगाया है। 2 पैकेट मेरे पास पहले से रखे हुए हैं। आप देखिए, इसका इस्तेमाल पूरे गार्डन में मैं करती हूँ, जिसकी वजह से कभी भी कोई हमारे गार्डन में कीड़े मकोड़े लगने नहीं पाते हैं। और अडेनियम की रिपोर्टिंग में इसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, फंगस लगने नहीं पाता है। ये तो मैंने नर्सरी से सामान मंगाया है। तीसरी चीज मंगाई है दोस्तों, आप पास से देखिए, ये रेड वाला पोटाश है। जब किसी प्लांट की फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, ग्रोथ का समय होता है, तो इसको एक एक चुटकी आधा आधा चम्मच हर प्लांट में देती हूँ, खासकर अडेनियम और गुलाब में, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट के लिए पोटाश की बहुत ज़रूरत होती है। आप हमारे गार्डन में फूलों का साइज देख सकते हैं। बस ध्यान रहे कि आपको पोटाश तब देना है लाल वाला, जब इनकी ग्रोइंग पीरियड हो। आपको ध्यान रहे कि अगर इनका कोई डोरमेंसी है, किसी प्लांट का अगर डोरमेंसी है, तो आपको इसको नहीं देना है। ये 3-4 चीज हो गई। अब 5वीं चीज मैंने मंगाई है, आपको दिखा रही हूँ। 2 किलो सरसों की खली है। सरसों की खली से हमारे प्लांटों में बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होती है और कोई कीड़े मकोड़े लगने नहीं पाते हैं। ये देखिए, सरसों की खली का इस्तेमाल भी अडेनियम की, खासकर ये सारे सामान मैंने अडेनियम की रिपोर्टिंग के लिए मंगाया है। और जब रिपोर्टिंग का पॉटिंग मिक्स बनाऊंगी, तो आपके बीच में ज़रूर शेयर करूंगी। तो आप भी अगर पॉटिंग मिक्स बना रहे हैं, तो उसमें सरसों की खली ज़रूर मिलाएंगे। छठी चीज़ है दोस्तों, मैंने मंगाया है, देखिए, 2 किलो बोन मील है। बोन मील का इस्तेमाल मैं 12 महीना अपने पूरे गार्डन में, खासकर गुलाब और अडेनियम में करती हूँ। ये देखिए, पास से आप देखिए, बोन मील मतलब हड्डी का चूरा है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस सब कुछ होता है। अडेनियम के प्लांट की रिपोर्टिंग में क्या, मैं तो हर महीने एक एक चम्मच हर प्लांट में डालती हूँ। देखिए, अडेनियम के प्लांट, कई लोगों ने कमेंट किया कि मैम, आपके अडेनियम के कोडेक्स बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, क्या यूज़ करती हूँ। तो जब मैं पॉटिंग मिक्स बनाऊंगी, तो उसकी फ़ायदे ज़रूर बताऊंगी, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि इसको ही डालने से हमारे अडेनियम की रूट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत बढ़ जाती है। और जब रूट की इम्यूनिटी पावर बढ़िया होगी, मजबूत होगी, तभी हमारे स्टेम को और फ्लावर को पावर मिलेगी। स्टैम्प में भी इनकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। 8वीं चीज़ मैंने मंगाई है दोस्तों, आप पास से देखिए, ये नीम की खली है। ये कीटनाशक है, इंसेक्टिफाइड भी है, और हमारे प्लांटों में अगर फंगस कहीं से लग जाता है, तो ये उसको नष्ट कर देता है। नीम की खली आप बहुत नहीं तो पूरे पॉटिंग मिक्स में एक मुट्ठी जरूर मिलाएंगे। देख लीजिए, नीम की खली और सरसों की खली बहुत ज़रूरी है मिलाना। 1 किलो मेरे पास पहले से भी रखा हुआ था बोन मील,
लेकिन देखिए मेरे पास अडेनियम के प्लांटों की संख्या बहुत ज़्यादा है, 70-75 प्लांट हैं। कुछ प्लांटों की मैं रिपोर्टिंग कर चुकी हूँ, लेकिन कुछ की अभी बाकी है। 1 किलो मेरे पास पहले से रखा हुआ था। तो इस तरह इतने सामान मेरे नर्सरी से आए हैं। अब आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, मैं नर्सरी से देखिए एक बहुत ज़्यादा अच्छी पावरफुल अनमोल खाद लाई हूँ। मेरे गार्डन में गुलाबों की आप फ्लावरिंग देखिए, इतने बड़े बड़े देशी वाले प्लांट के फूल हैं। मेरी रोज वाटिका से मिलिए, देखिए इसी अनमोल खाद का ही नतीजा है कि देशी वाला गुलाब भी इतना ज़्यादा फ्लावरिंग कर रहा है। ये देखिए इतने बड़े बड़े फूल मेरे गार्डन में कैसे हैं, वो आपको मैं अब दिखाना चाहती हूँ। बस इस अनमोल को खाद को ले लीजिए, इसको ज़्यादा नहीं लेना है आपको, अगर अपने प्लांट के हिसाब से। ये देखिए इस समय मैं ग्लव पहनना भूल गई हूँ, इसलिए हाथ से नहीं लगाना चाहती हूँ, क्योंकि एक बार मुझे बिना ग्लव्स के काम कर लिया था, मेरे हाथ में इन्फेक्शन हो गया था, हाथ में खुजली हो गई थी, इसलिए मैं बिना ग्लव्स के काम कर नहीं पाती हूँ। ये देखिए अब इस प्लांट को आप देखिए, रोज तो रोज ही था। ये नारंगी का पौधा है मेरे, इस पर मैंने क्या यूज़ किया है, पॉटिंग मिल्क बनाते समय मैंने बोन मिल का इस्तेमाल किया था, थोड़ी सी गोबर की खाद ली थी। अब मैंने ये ही अनमोल खाद जो आपको दिखाई है, इसी को आप ले लीजिए और नर्सरी पे बहुत आसानी से मिल जाती है। देखिए आधा चम्मच हर प्लांट की जड़ों में ऐसे ऐसे हल्का हल्का सा मिट्टी को ढीला कर लीजिए। और ऐसे ऐसे हर प्लांट में आप दे दीजिए। आपके प्लांट की फ्लावरिंग देखिए कितनी ज्यादा अच्छी होगी कि आप को अगर फायदा दिखेगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये देखिए इसमें एक तरफ रूटिंग हो चुकी है, ये पक भी चुका है, दूसरी तरफ से देखिए ये बारहों मास निकलता है, फल भी चुका है, कई लोगों को मैंने बांट भी दिए हैं और दूसरी फ्लावरिंग फ्रूटिंग हो भी गई है। इस तरह अगर आपको पॉटिंग मिक्स बनाना है डेनियम का, तो दोस्तों आपको इतने सामान जरूर मिलाने होंगे। नीम की खली और सरसों की खली को जरूर मिलाइएगा, मिलाना ना भूलिएगा, तभी आपके अडेनियम के प्लांट सालों साल सर्वाइव करेंगे, पूरे सालों साल फ्लावरिंग करेंगे। पोटाश की जरूरत तब होती है जब हमारे प्लांट में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर फ्लावरिंग आने लगी है तो मैं हर प्लांट में एक एक चुटकी, मुश्किल से एक एक चुटकी पोटाश जरूर डालती हूँ। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट करिएगा और इन चीज़ों को जरूर मंगा लीजिए, क्योंकि अडेनियम की रिपोर्टिंग और प्रूनिंग का समय आ चुका है।